नमस्कार इंडिया प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुधीर चौधरी। टू जी स्पेशल घोटाले को लेकर लाइव इंडिया की इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज डीबी रियल्टी के प्रमोटर शाहिद बलवा का सबसे बड़ा झूठ पकड़ लिया। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कैसे बर्बाद होता है आपका और हमारा पैसा। आज हम आपको दिखाएंगे वो दस्तावेज जो बताते हैं कि कैसे डीबी रियल्टी के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा ने अपने करीबियों और कंपनी के गरीब कर्मचारियों से धोखे से कागजातों पर दस्तखत करवाए और शेयर उनके नाम कर दिए। यानी उन्हें ये पता भी नहीं चला कि कैसे वो देश के सबसे बड़े घोटाले का हिस्सा बन गए। शाहिद बलवा ने कैसे 2G घोटाले का ये शर्मनाक चैप्टर लिखा, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि उस वक्त शाहिद बलवा ने न ही उसके बाकी लोगों ने ये सोचा होगा कि उनके ये राज एक दिन खुल जाएंगे। और इसके अलावा आज हमारे पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और लाइव इंडिया आज का ये सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाला है अब से थोड़ी ही देर में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलाई जा रही हैं और उनमें कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं। लेकिन हमें और आपको या फिर उन कंपनी के शेयर होल्डर्स को कभी इस बात की जानकारी नहीं होती, लेकिन आज ये असलियत हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे उस सीडी के बारे में जो इन दिनों लगातार चर्चा में है। आप सब उस सीडी के बारे में बात कर रहे हैं, शांति भूषण, अमर सिंह और मुलायम सिंह की कथित बातचीत की इस सीडी को लेकर अलग अलग लेबोरेटरीज की अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि ये सीडी सच्ची है यानी सही है, और दूसरी रिपोर्ट कहती है कि सीडी के साथ छेड़छाड़ की गई है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका जवाब आज हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो सीडी इस वक्त हमारे साथ है, इस वक्त वो सीडी हमारे पास है। इस सीडी में क्या है हम आपको बताने वाले हैं अब से थोड़ी देर के बाद। और साथ ही हम आपको ले चलेंगे आज नोएडा में शांति भूषण और उनके बेटे जयंत भूषण के उस प्लॉट पर जिसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे 8 करोड़ रुपए की जमीन 70 लाख रुपए में हासिल की गई। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर लाइव इंडिया की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। हमारी एक टीम इस घोटाले की परतें खोलने में लगी हुई है। आज हमारी इस इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं जो बताते हैं कि डीबी रियल्टी के बॉस यानी टॉपमैन शाहिद बलवा का शेयर जाल कितना बड़ा और खतरनाक है और साथ ही झूठ से भरा हुआ है। शाहिद बलवा के काले कारनामों में आप भी हिस्सेदार हो सकते हैं अगर आप शाहिद बलवा से जुड़े हुए हैं या फिर आप डीबी रियल्टी से जुड़े हुए हैं या फिर उससे संबंधित किसी और कंपनी से आप जुड़े हुए हो, क्योंकि फंसने की गारंटी पक्की है। अगर आपने डीबी रियल्टी में पैसा लगाया है, उसके शेयर्स खरीदे हैं या किसी भी तरह उस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके नाम पर भी लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला हो चुका हो और आपको शायद पता भी ना हो। शेयर लेकर शाहिद बलवा ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों के साथ भी गोलमाल किया है। हम आपको बताने जा रहे हैं शाहिद बलवा का सबसे बड़ा झूठ। डीबी रियल्टी के प्रमोटर शाहिद बलवा ने अपने सुल्फा अशरफ को शेयर के गोलमाल में फंसाया है। अशरफ का खानदानी पेशा है भैंसों का तबेला चलाना। बलवा ने अपने इस फूफा को अंधेरे में रखकर सिद्धार्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड के 1667 शेयर उसके नाम कर दिए। इस बात की जानकारी अशरफ को तब हुई जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच में CBI अशरफ के घर तक पहुंच गई और अशरफ से पूछताछ की। लाइव इंडिया के पास CBI को दिए गए अशरफ के बयान की एक कॉपी मौजूद है। 8 फरवरी को CBI ने अशरफ को दिल्ली बुलाकर लंबी पूछताछ की। CBI को अशरफ ने बताया कि उसके पिता भैंसों का तबेला चलाते थे जो 1995 में बंद हो गया। अशरफ की शादी यूसुफ बलवा की बहन और शाहिद बलवा की बुआ रुकैया से हुई है। अशरफ मुंबई के ग्रांट रोड के होटल यादगार में पिछले 35 सालों से मैनेजर है। अशरफ ने CBI को बताया कि उन्होंने कभी भी किसी कंपनी का कोई शेयर आज तक न तो खरीदा है न बेचा है। अशरफ का यह भी कहना है, अशरफ ने CBI को यह भी बताया कि शाहिद बलवा ने 3-4 साल पहले उनसे कुछ कागजातों पर दस्तखत करवाए थे, लेकिन नजदीकी रिश्तेदार होने की वजह से उन्होंने बगैर जांच पड़ताल किए दस्तखत
कर दिए और यही अशरफ की सबसे बड़ी गलती थी। अशरफ ने इस मामले में शाहिद बलवा से कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप अपने हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब अशरफ को पता चला कि 23 मार्च 2007 को सिद्धार्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड के 1667 शेयर उसके नाम से अलॉटेड है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अशरफ ने सीबीआई को सीधे सीधे कहा, जिसमें लिखा है उसके बयान में कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो नहीं जानता कि ये शेयर उसके नाम कैसे ट्रांसफर हो गए। और अशरफ का जो बयान है, जो अशरफ ने सीबीआई को दिया है, इस वक्त वो बयान मेरे हाथ में है और अशरफ ने इस बयान में लिखा है कि उसकी उम्र 59 साल की है और अशरफ ने अपने बारे में सारे डिटेल्स इसमें लिखे हैं। और अशरफ का, आप सुनिए अशरफ ने क्या लिखा है। माय वाइफ रुकैया इज सिस्टर ऑफ यूसुफ बलवा। आई एम वर्किंग एज मैनेजर एट होटल यादगार ग्रांट रोड मुंबई सिंस 30 to 35 years। ऐसा लिखा है अशरफ के इस बयान में। अब आप आगे की बात सुनिए जो इस बयान में लिखी हुई है। अशरफ कहते हैं, आई हैव नॉट परचेज एनी शेयर ऑफ एनी कंपनी येट आई साइंड सम पेपर्स गिवन बाय शाहिद बलवा सम 3-4 years ago। ऐसा उन्होंने लिखा है, टुडे आई हैव गिवन यू साइंड कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन माई नेम मेंटेन्ड विद सिंडिकेट बैंक। आई रेयरली यूज दिस अकाउंट। आई नेवर पेड एनी अमाउंट फॉर परचेज ऑफ एनी शेयर इन एनी कंपनी। टुडे यू हैव शोन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स डेटेड 28/3/2007 ऑफ सिद्धार्थ कंसल्टेंसी लिमिटेड इन विच 1667 शेयर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड और शोन अलॉटेड टू मी। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। ये कहना है अशरफ का, जो कि रिश्तेदार है यूसुफ उस्मान बलवा का। और जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इनकी, इनका एक तबेला हुआ करता था, उसके बाद ये एक बैंक में मैनेजर की नौकरी करते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी कंपनी का ना शेयर खरीदा है ना कभी बेचा है। लेकिन शाहिद बलवा के कहने पर 3-4 साल पहले इन्होंने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, तब इन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये जो साइन उनके करवाए जा रहे हैं किस कागज पर करवाए जा रहे हैं। और अब जाकर अशरफ को ये पता चला कि वो साइन असल में सिद्धार्थ कंसल्टेंसी के शेयर ट्रांसफर के पेपर्स पर थे और अशरफ को बिना बताए शाहिद उस्मान बलवा ने इनके नाम 1667 शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है। आपने देखा कि शाहिद बलवा ने अपने फायदे के लिए अपने गरीब रिश्तेदारों को कैसे फंसा दिया। बात यही खत्म नहीं होती। शाहिद बलवा ने अपनी कंपनी में काम करने वाले कुछ और गरीब कर्मचारियों को भी 2G घोटाले का हिस्सेदार बना दिया बिना उनकी जानकारी के। जरा सोचिए, आप ग्रेजुएट हैं, MBA हैं या कोई और प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, फिर भी आपको कितनी सैलरी मिलती होगी। बलवा की कंपनी में काम कर रहे एक ऑफिस असिस्टेंट यानी चपरासी फयाज अहमद महज 11वीं पास है, लेकिन उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपए महीना। लाइव इंडिया की तहकीकात में यह पता चला कि फयाज 1991 में बांद्रा के सरकारी स्कूल से 11वीं पास कर चुका है। 11वीं पास है। फयाज के पिता मुंबई के बांद्रा के खार मार्केट में मीट बेचने का काम करते हैं, उनकी एक मीट शॉप है। और फयाज बेहद गरीब परिवार से है। पूरे परिवार के साथ में मुंबई के भरत नगर की झुग्गी की कॉलोनी में रहता है। लेकिन सन 2004 में अचानक उसकी तकदीर बदल गई। उसने सेंट्रल मुंबई में बलवा के होटल में काम करना शुरू कर दिया। बाद में फयाज को गोरेगांव में डीबी रियल्टी के ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेवजह बढ़ती सैलरी उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। एक दिन शाहिद बलवा के कंपनी सेक्रेटरी मिस्टर पंडित ने फयाज से कहा कि शाहिद बलवा चाहते हैं कि वो एक ट्रांसफर डीड पर दस्तखत करे। वफादार बनने की चाहत में फयाज ने अपने दस्तखत चुपचाप कर दिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये दस्तखत ही उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। फयाज के अकाउंट में लाखों का फंड ट्रांसफर हुआ था और 2G घोटाले में फंसी दागदार कंपनी स्वान की पेरेंट कंपनियों के शेयर उसके नाम ट्रांसफर हो गए। फयाज को भी इस घपले